आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स एमसीक्यूज जो लेटेस्ट हैं 2022 के हैं वो बताऊंगा, इम्पोर्टेंट नेशनल वर्ल्ड लेवल पर करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं और डिटेल के साथ हैं। अगर आपने हमारा चैनल विपाक मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली अपडेट भी आपको मिलती रहे। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे, CSS NTS और TS PTS एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छी जो है नॉलेज हैं। तो ये करंट अफेयर्स की लेटेस्ट हैं 2022 की हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। सवाल है विच कंट्री इज़ मेड NOC मैंडेटरी फॉर फॉरेनर्स मैरिंग लोकल्स। दोस्तों कौन सी कंट्री है जिसने NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाजमी कर दिया है अगर आप किसी उसी मुल्क में जाकर वहाँ पर किसी औरत के साथ शादी करते हैं तो NOC लाजमी होगी। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब बी है, श्रीलंका ने। दोस्तों इसकी शॉर्ट डिटेल है, श्रीलंका इज़ मेड NOC मैंडेटरी फॉर फॉरेनर्स मैरिंग लोकल्स ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। कैपिटल्स कोलंबो और करेंसी जो है श्रीलंका की श्रीलंकन रुपीज़ हैं। प्रेजिडेंट गोताबाया राजपक्सा है, प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्सा है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। सवाल है विच कंट्री कोर्ट हैज़ फाइंड गूगल एंड मेटा विथ अ टोटल ऑफ 125 मिलियन US डॉलर्स। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब बी है, रशिया ने गूगल के ऊपर और मेटा फेसबुक के ऊपर 125 मिलियन फाइन किया है, लेकिन जुर्माना किया है। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब बी है, रशिया ने किया है। दोस्तों इसकी शॉर्ट डिटेल ये है, मेटा फॉर्मली नोन एज मेटा को जो है पहले फेसबुक कहते थे, उसका नाम जो है अब जो है चेंज होकर मेटा हो गया है। तो ये 2021 में हुआ था। दोस्तों 27 मिलियन इस पर जो जुर्माना आयद किया मास्को कोर्ट ने, फॉरिंग टू रिमूव कॉन्टेंट दैट इज डीम्ड इलीगल। द कोर्ट हैज आल्सो इम्पोज अ फाइन ऑफ 98 मिलियन ऑन गूगल। फॉर द फर्स्ट टाइम ए रशियन कोर्ट हैज इम्पोज फाइंस 125 मिलियन दैट मेक्स अप अ शेयर ऑफ द एनुअल। रशियन कैपिटल जो है मॉस्को है, प्रेजिडेंट व्लादिमिर पुटिन है, करेंसी रबल है। तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है रिसेंटली विच अरब कंट्री हैज इश्यूड इट इज़ फर्स्ट सिविल मैरिज लाइसेंस टू नॉन मुस्लिम्स कपल। दोस्तों कौन सा मुल्क अरब का कौन सा शहर जिसने फर्स्ट सिविल मैरिज लाइसेंस जारी किया है नॉन मुस्लिम्स के लिए। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब है UAE ने। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसका शॉर्ट डिटेल ये है कि प्रेजिडेंट UAE का है खालिद बिन जैद अल नैया ने, PM ऑफ UAE मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है, कैपिटल अबूजहबी हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। सवाल है US प्रेजिडेंट अप्रूव हाउ मच डिफेंस बजट फॉर फिस्कल ईयर 2020 रिसेंटली। सो US प्रेजिडेंट हैं वो डिफेंस के लिए कितना बजट जारी किया है। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब सी है, $770 बिलियन। सो नेक्स्ट चलते शॉर्ट डिटेल है, द US मिलिट्री बजट इज बाय फॉर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। US प्रेसिडेंट जो बाइडन है 46th प्रेसिडेंट है, US वाइस प्रेसिडेंट है कमला हारिस है 49th है, UC सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो ब्लिंकन है 71st है, US कैपिटल वाशिंगटन DC डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया है। और नेक्स्ट चलते हैं, विच कंट्री प्रेजिडेंट नेम एज वर्ल्ड मोस्ट करप्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2021। दोस्तों कौन सा जो प्रेजिडेंट है इस मुल्क का है जिस पे ये कि 2021 का सबसे ज़्यादा करप्ट तरीन पर्सन है। दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब है बिलारस का। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, बिलारस प्रेजिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको रैंक फर्स्ट, सेकेंड फॉर्मर प्रेजिडेंट अफगान अशरफ गनी, थर्ड सेरन प्रेजिडेंट बशर अल असद एंड रिसेप तैयब इज अमंग द मोस्ट करप्ट पीपल ऑफ द ईयर 2020। रिपोर्ट रिलीज बाय ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट बेलारस। दोस्तों कैपिटल है इसका मिन्स्क है, करेंसी बेलारशियन रबल है। बेलारस इज ए कंट्री इन यूरोप, यूरोप के अंदर ये बेलारस वाक़ है। सो क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली एजुकेटेड थर्ड टेस्ट लॉन्च ऑफ हैवी केयर रॉकेट अंगारा F5। दोस्तों इसका दर्जा बी है, रशिया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, रशिया का जो कैपिटल है मास्को है, करेंसी रशियन रबल है, प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुटिन है, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है, कॉन्टिनेंट यूरोप एशिया के अंदर वाक़ है।
माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप एंड रशिया। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, सवाल है विच कंट्री हैज लॉन्च ए न्यू सैटेलाइट विद कैमरा दैट कैन टेक पिक्चर ऑफ द ग्राउंड विद रेजोल्यूशन ऑफ 5 meters। दोस्तों इसका दुर्जवाब बी है, ये जो सैटेलाइट के थ्रू कैमरा जारी चाइना ने किया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, शॉर्ट डिटेल इसकी है, सर्च फॉर मिनरल्स रिसोर्सेज, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग है, कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है विच ऐप इज़ द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप इन 2021। दोस्तों इसका दुरुजवाब ए है, टिकटॉक जो है सबसे ज़्यादा जो डाउनलोड हुई है ऐप। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी जो शॉर्ट डिटेल है, इन 2021 656 मिलियन डाउनलोड्स, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन 15 ईयर्स दैट अनदर डोमेन हैज़ रिप्लेस्ड गूगल, ऑन्ड बाय चाइनीज कंपनी बाइटडांस, इनिशियल रिलीज सितंबर 2016। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, विच टीम हैज़ वॉन U19 एशिया कप टाइटल एट दुबई UAE। दोस्तों इसका जवाब ए, इंडिया ने जीता है। दोस्तों शॉर्ट डिटेल है, द अंडर 19 यूथ एशिया कप टू प्लेस बिटवीन डिसम्बर 23 टू डिसम्बर 31 इन UAE। इंडिया हैज़ नाउ वॉन U19 एशिया कप 8 times। द फर्स्ट मैच वॉज हेल्ड इन 1989 इन बांग्लादेश इन विच इंडिया वॉन द टूर्नामेंट। द सेकेंड एडिशन ऑफ द U19 यूथ एशिया कप वॉज प्लेड आफ्टर द गैप ऑफ 14 ईयर्स इन पाकिस्तान वेयर द इंडियन टीम रिटेन द विनिंग टाइटल फ्राम द एवरी फर्स्ट मैच। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, विच कंट्री इज प्लानिंग टू डेवलप इट इज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल सन कस्तार। दोस्तों ये जो हाथ का बनाया गया सन किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इसका दुरुजवाब बी है, साउथ कोरिया ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं, शॉर्ट डिटेल इसकी है कि ऑब्जेक्टिव द न्यूक्लियर फ्यूजन इज द बेसिक प्रिंसिपल दैट द आर्टिफिशियल सन जनरेटेड लाइट एंड हीट। द गवर्नमेंट इज एमिंग टू प्रोड्यूस पावर सच एज इलेक्ट्रिसिटी बाय आर्टिफिशियल इम्प्लांटिंग दिस प्रिंसिपल ऑन अर्थ विद केस्टार साउथ कोरिया कंट्री इन ईस्ट एशिया, प्रेजिडेंट मून जे इन कैपिटल सियोल है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, सवाल है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक्स टू पैकेज मोस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। दोस्तों किसने जो है प्लास्टिक को बैन किया है, मतलब जो शॉपिंग बैग्स के लिए? दोस्तों इसका दुरुजवाब सी है, फ्रांस ने। सो इसकी शॉर्ट डिटेल है, फ्रांस कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप, प्रेजिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, कैपिटल पेरिस है, प्राइम मिनिस्टर जीन कैस्टिक्स हैं, ईफल टावर इन पेरिस। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, विच कंट्री विल चेयर द काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ UNSC। दोस्तों इसका दुरुजवाब बी है, इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसकी शॉर्ट डिटेल है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कैपिटल न्यू दिल्ली है, करेंसी इंडियन रुपी है, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, मेंबर्स 5 to 10। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सवाल है विच कंट्री क्रिकेटर क्वांटिन डी कॉक अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्राम द टेस्ट क्रिकेट। दोस्तों क्वांटिन डी कॉक जो क्रिकेटर है वो किस मिल से है, उसका ताल्लुक है, इसने रिटायरमेंट का ऐलान किया। दोस्तों इसका दुर्जवाब बी है, साउथ अफ्रीका से है। दोस्तों शॉर्ट डिटेल है साउथ अफ्रीका की, कैपिटल केप टाउन है, प्रिटोरिया, विलम फॉन्टिन, करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है, रेजिडेंट साइरिल रेमापोसा है। नेक्स्ट चलते हैं, इन 2021 हाउ मेनी जर्नल्स वेयर किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी रिपोर्ट इशूड बाई इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। दोस्तों इसका दुर्जवाब है 46th। नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट नंबर ऑफ जर्नल्स किल्ड इन मेक्सिको दैट इज 7, इंडिया एंड अफगानिस्तान 8 विथ 6 कैजुअल्टीज। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनवील्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टेट्यू। दोस्तों इसका दर्जा ए है, इंडिया। रिसेंटली इंडिया हैज़ अनवील्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टेट इन गोवा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल फुटबॉलर, पुर्तगाल कंट्री यूरो, कैपिटल लिस्बन, प्रेसिडेंट ऑफ पुर्तगाल मार्सिलो रुपिलो डी सुवा। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेट कैप्टन रैली इलिंगवर्थ हैज डाइड रिसेंटली, ही बिलोंग टू विच क्रिकेट टीम। दोस्तों जो अभी रिसेंटली इंतकाल हुआ है रैली इलिंगवर्थ का, उसका ताल्लुक किस टीम से था? दोस्तों इसका दर्जवाब इंग्लैंड से था। दोस्तों क्रिकेट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ द इंग्लैंड,
पीएम बोरिस जॉनसन, कैपिटल लंदन, करेंसी जो है स्टर्लिंग पाउंड है इंग्लैंड की। उससे नेक्स्ट चलते हैं, वी हैव अब्रज ग्लोबल फैमिली डे ऑन विच डेयर। दोस्तों इसका दूर जवाब ए है 1 जनवरी। विच कंट्री हैज लॉन्च इन मार्च 6F1 ए कम्युनिकेशन सेटेलाइट इन टू द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। दोस्तों इसका दूर जवाब बी है, जो मार्स 6F1 जो सेटेलाइट किसने लॉन्च किया दोस्तों, इसका दूर जवाब बी है जापान ने। सो शॉर्ट डिटेल है, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन सेटेलाइट यू लॉन्च जापानीज स्पेस एजेंसी जेस्का है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जेक्सा फाउंड 1 अक्टूबर 2003, जेक्सा हेडक्वार्टर टोक्यो जापान, जापान कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन, पीएम फुमियो कशिंदा सिंस 4 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल है विच कंट्री विल रीनेम एस्पान इसलैंड टू हॉनर क्वीन एलिजाबेथ टू ऑन प्लेटिनम जुबली। दोस्तों इसका जवाब बी है ऑस्ट्रेलिया। शॉर्ट डिटेल, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल इज कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पीएम स्कॉट मॉरिसन, नेशनल स्पोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज क्रिकेट, एस्पान इसलैंड इज लेक बल्ली, गिफन इन कैनबरा इन अ मेन इसलैंड। दोस्तों सवाल है व्हाट हैज द इंडियन गवर्नमेंट चेंज द नेम ऑफ फेमस मुस्लिम उर्दू पोइट अकबर अलाहाबादी। तो इसका जवाब है अकबर प्रयागराज। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने अभी नाम जो है अकबर अलाहाबादी का चेंज किया है, इसका रखा है अकबर प्रयागराज रखा है। तो शॉर्ट डिटेल है, द अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट वाज रीनेम्ड प्रेगर इन बाय द एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट ऑफ योगी आदित्यनाथ। रियल नेम सैयद अकबर हुसैन, बॉर्न नवंबर 16, 1946, अलाहाबाद इंडिया, डाइड फरवरी 15, 1921, अलाहाबाद इंडिया। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, रोज टेलर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। दोस्तों रोज टेलर का जो है ये सभी जानते हैं कि उसका बिलोंग किस कंट्री से था। दोस्तों इसका जवाब सी है न्यूजीलैंड से, कैपिटल न्यूजीलैंड का विलिंगटन है, प्राइम मिनिस्टर जेसिंदा अर्डर्न है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, सवाल है विच कंट्री हैज़ बिकम फोर्थ न्यू मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स NDB। तो इसका दूर जवाब सी है इजिप्ट। इसकी डिटेल है, बांग्लादेश UAE एंड अर्जेंटीना ज्वाइन इन सितंबर 2019, ब्रिक्स जून 2019, ब्रिक्स ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका का इतिहाद है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB हेडक्वार्टर शंघाई है, फाउंडेड 2014 है। नेक्स्ट चलते हैं, विच कंट्री हैज़ ब्लॉक्ड फॉरेन फंडिंग फॉर मदर ट्रेसिया चैरिटी। तो इसका जवाब ए है, जो मदर ट्रेसिया चैरिटी के लिए जो फंड्स हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं, बैन कर दिए। दोस्तों इसका जवाब ए है इंडिया ने। दोस्तों मदर ट्रेसिया बॉर्न इन 1910 अराइव इंडिया एज यंग रन इन 1929, शी ब्लड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन 1950 इन कोलकाता, दे नोन एज कलकत्ता। She received the 1979 Nobel Peace Prize for the charity work. She died in 1997. She was declared a saint by Pope Francis in 2016. Next chalte hain, recently Somalia President Mohamed Abdullahi Mohamed has suspended his prime minister named. So iska darjaa B hai, Mohamed Hussein Roble. Mohamed jo Somalia ka president hai usne isko suspend kar diya hai. So next chalte hain, short detail hai, President Mohamed अब्दुल्ला मोहम्मद है, कैपिटल मोगादिशु है, करेंसी सोमाली शिलिंग है। सो नेक्स्ट चलते हैं, सवाल है विच कंट्री हैज़ लॉन्च 5-ईयर प्लान टू बिकम ए हब ऑफ वर्ल्ड रोबोटिक्स इनोवेशन। दोस्तों इसका दूर जवाब ए है, चाइना ने लॉन्च किया है। दोस्तों एज पर द 2020 वर्ल्ड रोबोट रिपोर्ट, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड जापान वे आर द टॉप 3 मोस्ट ऑटोमेटेड कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक। CNS की एब्रिवेशन चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट जी जिंग बिंग है, कैपिटल बीजिंग है, कौनसी रिमबिन है। सवाल है पायनियर एक्ट्रेस बेटी वाइट आस्टा वाई रिसेंटली शी बिलोंग्स टू विच कंट्री। दोस्तों बेटी वाइट का ताल्लुक किस मुल्क से है। दोस्तों इसके अंदर जवाब ए है यूनाइटेड स्टेट से। शॉर्ट डिटेल है, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट कैपिटल वाशिंगटन DC है, प्रेसिडेंट जो बाइडन है, स्टेटस जो है यानी कि प्रोविंस है 50 ईयर्स, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर US-Canada बॉर्डर, लेंथ 8893 किलोमीटर है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं,
अदर एनी राइस पासिस अवे रिसेंटली शी बिलोंग्स टू विच कंट्री, दोस्तों इसका ताल्लुक अदर एनी राइस का किस मुल्क से था, दोस्तों इसका जवाब ए यूएसए था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विपाक मीडिया। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल विपाक मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, मज़ीद भी हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और आप तक जो है मजीद भी वीडियो